नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रशांत। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2021 का 18वां मुकाबला खेला गया। वानखेड़े के इस मैदान पर कोलकाता का रिकॉर्ड और भी खराब होता चला गया और इस सीजन में लगातार उनकी चौथी हार हो गई है। वहीं वानखेड़े में बात करें तो पिछले 10 मैचों में कोलकाता की ये 9वीं हार थी। कोलकाता की टीम अब पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर खिसक गई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने शानदार वापसी की। पिछले 2 मैचों में जो हार उन्हें मिल गई थी, अब तीसरे मैच में उन्हें वापसी कर ली। अब पॉइंट्स टेबल में भी टीम ऊपर आ गई है, उनके अब 4 अंक हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान रॉयल्स के उन 5 हीरोज के बारे में जिनकी बदौलत उन्हें इतनी शानदार जीत कोलकाता के खिलाफ मिली। मैच के पहले हीरो रहे गेंदबाज और ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस। जी हाँ, ये क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी का ही असर था कि कोलकाता की टीम निचले क्रम में कोई बड़ा योगदान या कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाई और टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 133 रन ही बना पाई। क्रिस मॉरिस ने दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, पैट कमिंस और शिवम बावी जैसे बल्लेबाजों का निचले क्रम में जो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं उनका विकेट निकाला। मैच के दूसरे हीरो रहे मुस्तफिजुर रहमान। जी हाँ, मुस्तफिजुर रहमान ने इस मैच में अपनी स्लो रन गेंदबाजी का जलवा दिखाया और 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। उन्होंने कोलकाता की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले राहुल त्रिपाठी का विकेट निकाला था। मैच के तीसरे हीरो रहे यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, इस मैच में इस सीजन में उन्हें पहली बार खेलने का मौका मिला था और उन्होंने ओपनिंग में शानदार शुरुआत की। 17 गेंदों पर ही 22 रनों की तूफानी पारी उन्होंने खेल डाली और उन्होंने 5 चौके लगाए। मैच के चौथे हीरो रहे डेविड मिलर। जी हाँ, एक समय संजू सैमसन का साथ देने वाले जो तमाम बल्लेबाज थे वो आउट होते जा रहे थे। पहले यशस्वी जायसवाल आउट हो गए, उसके बाद शिवम दुबे और उसके बाद राहुल देवतिया भी आउट हो गए थे, लेकिन डेविड मिलर ने संजू सैमसन का भरपूर साथ निभाया और टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैच के पांचवें और सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान संजू सैमसन। उन्होंने 41 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगाया। अपने जो उनका अंदाज है उसके अनुरूप वो नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन जरूरत भी नहीं थी, वो सभी अंदाज में खेला और आसानी से टीम को एक शानदार जीत दिला दी। राजस्थान रॉयल्स ने 18.5 ओवर में ही कोलकाता के लिए लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो ये थे वो 5 हीरोज जिनकी बदौलत राजस्थान को इतनी शानदार जीत कोलकाता के खिलाफ मिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।